काहे झूठा टाइटल डाले हो। नहीं नहीं तनिक से मुंह खोल के बोल दियो, यहाँ पर गोल्ड शॉपिंग करी है तुमने? हैं, करी है? नहीं करी है। और यहाँ पर बग्गी भी बेचारी काहे कर सकती है, पहले उसने दूसरी स्टेटमेंट दी और बाद में दूसरी दी। और बग्गे का टाइटल गोल्ड ज्वेलरी शॉपिंग करवा चौथ के लिए और दिल बनाए दिया। आए हाय, काश कि तुम्हारा दिल इतना बड़ा होता बग्गे। हैं भाई, बग्गे ने नौटंकी ड्रामा आज के वीडियो में बहुत ही ज्यादा करा है और उसका पूरा पूरा असर बग्गी की ब्लॉगिंग पे दिखा है। ओए भाई, हमने छटकन्नी जीजी को देखा यार। छटकन्नी जीजी अपनी वीडियो में तो एकदम दुबली पतली नजर आती हैं, जब दूसरे कैमरे में देखते हैं तो वो काहे हमको थोड़ा ज्यादा मोटी नजर आती हैं। मतलब ठीक है, भगवान करे खाए फूले फले, है ना, लेकिन देखो यार अपनी वीडियो में पतली नजर आती है। अब कहीं हमारा चश्मा का पावर ओवर तो नहीं बढ़ा है, इस वजह से भी हो सकता है या फिर कोई और वजह हो सकती है, तो हमको नहीं समझ में आ रहा है। का आपको भी ना छोटी दीदी थोड़ा सा हेल्दी ज़्यादा दिखी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भाई साहब, हमने वो वीडियो देख ली है बग्गा बग्गी वाली। मैंने सोचा हाँ, हमारे लिचड़ किचड़ कंजूस बग्गा, जो एक मैगी का पैकेट, जो मोमोज के लिए अपनी बीवी को, नहीं फ्राइज के लिए अपनी बीवी को वेटर के सामने डांट सकता है, फटकार लगा सकता है, वो आज गोल्ड शॉपिंग कराएगा? हम तो भैया दंग रह गए। लेकिन कहा है कि जैसे पूरा वीडियो देखा, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। तो भाई चलो, आज का कार्यक्रम ये जो है शुरू करते हैं। असल में जो वीडियो होता है शुरू, वो होता है घर से ही, और घर में हमारी बग्गी बैठ के अपने काम धाम निपटा रही होती है, जो डेली रूटीन वाले काम होते हैं। उसके बाद ये लोग ब्रिज पे भी जाते हैं। अब वो बग्गा का आजकल ये है कि जब तक ब्रिज पे नहीं ले जाएगा तब तक उसका काम धाम होता नहीं है, है ना, वहाँ की क्लिप चाहिए चाहिए। अब हो सकता है कोनो टोटका टाटका हो कि भाई हमको यहाँ पे जो है दिखाना है ब्रिज का, है ना, तो ज़्यादा व्यूज आते हैं, या फिर जो भी है, तो बग्गी के साथ वहाँ पर भी जाता है। वो सारा क्रियाकलाप हमने देखा। ये सब शॉपिंग वॉपिंग भी गए थे, फल वल भी खरीदे थे। बग्गी ने ऑफर दिया था आज, गोल्ड वाला ऑफर है। वाह जी वाह, बग्गे ने सोचा कल है संडे, मतलब था संडे, तो संडे के दिन सारे बंद होंगे ज्वेलर्स, तो उसने ऑफर दे डाला। लेकिन ऑफर पे कैसे उसने रंग बदले हैं ना, दर्श को आज आपको बेहद मजा आने वाला है, सच्ची बता रहे हैं। एकदम हंस हंस के आप लोटपोट हो जाएंगे। बग्गा की चालाकी आप समझ ही गए होंगे, और नहीं समझे हैं तो भैया इधर हम बैठे हैं ना आपको समझाने की खातिर, कोनो बात नहीं। वैसे तमाम लोग कह रहे हैं कि बड़की ननदिया कहाँ है, घास है नहीं डाल रही है। सही बात कहा, तमाम लोग कल बोल रहे थे बड़कन्नी की वीडियो में कि वो तो बड़ा बोली थी कि जो है तुम्हारा जो है सेवा पानी करेगी, तुम्हारी पसंद का खाना बनाएगी, तुम्हारी भाभी तुम्हारे साथ दिख नहीं रही। अरे भाई, 100 की सीधी बात, नक्को बकवास। भाभी तबहिन दिखेगी ना है, जब दिखाने का कुछ ऐसा अवसर होगा, है ना, जब कोई आ ही नहीं रहा ऊपर से नीचे, कहाँ से दिखाई देगी। और आप सबको पता है कि चंडीगढ़ भी गई थी दीदी, तो हो सकता कल ही गई हो या परसों गई हो। वीडियो इनका 2 दिन का है बग्गी का। तो जब घरों में रही नहीं तो का, अब ऐसा तो है नहीं हमारी दीदी के रूप अनेक हैं तो एक इधरों स्थापित हो जाएगा एक उधरों स्थापित हो जाएगा। नहीं जी, एक हैं। हाँ, रंग बहुत हैं, भांति भांति के रंग हैं, इसे बिल्कुल इंद्रधनुषी रंग। तो भाई लोगों ने कह दिया है, दीदी तो भैया आई है, वहां तो तुम्हारा बड़ा बॉन्ड दिख रहा था, लेकिन जब से यहाँ आई है दिख नहीं आ रही नजर। तुम्हारे साथ तो बिल्कुल एक दिन बर्तन धोते हुए नजर आई थी, वही के बाद छुटकन्नी के साथ खून के रिश्ते बग्गी, खून के रिश्ते, बस बड़ बोलापन होता है। तुमने भी चपड़ चपड़ करके बड़े बड़े बोल बोल दिए। तो भैया ये बॉन्डिंग वाला गेम ओवर हो चुका है, और हमार दीदी अभी अपने घर का बारे में देख रही है, वहां से रोकड़ा निकल के आएगा। वैसे भी बोली थी विगत दिनों में कि हम घाटे में चल रहे हैं, बहुत दिन से घाटे में चल रहे हैं, तो भाई अब वहां से फायदा निकाल के कहीं पर जड़े जमानी है, कहीं ऐसा ना हो कि बगल वाले खत्म जड़े जमानी हो, क्योंकि दीदी का मानना है कि मायके से मेरी जड़े हैं, तो अब देखो भाई साहब। लेकिन लोगों ने भाई मौका नहीं छोड़ना था, इसीलिए कहते हैं कि बड़ा कौर खा लियो बड़ा बोलना बोलो। और बग्गी ने बड़े बड़े बोल दिए थे बोल बच्चन कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। वैसे बग्गी बग्गा दीदी, तुम्हारे ऐसे आइकिया वाइकिया वाला ब्रांड से यहाँ होम डेकोरेशन करने वाली थी, उसका क्या हुआ, फिर चली जाएगी? और बग्गा तो ये होम डेकोरेशन के बारे में बात ही नहीं कर रहा है। उस दिन तो बड़ा बोल बच्चन बोले थे वीडियो में
कि हम चाहे वीडियो कॉल पे कराएं चाहे वैसे कराएं, कराएंगे जरूर। अब यहीं घर में दीदी अवेलेबल है, लेकिन उसके बाद भी नहीं करावा जा रहा है। अरे दैयर दैयर, इका दीदी जैसा घर बनाएंगे उसके लिए रोकड़ा खर्च करना पड़ता है। फिर से वही बोलूँगा, एक मैगी का पैकेट अफोर्ड ना कर पाने वाला बग्गा है, मतलब सबके साथ जाए के भी अलग अलग घूमने वाला बग्गा। तो भाई पैसा सोच के वो चलता है, इसलिए उसने मना कर दिया है। वो आइकिया वाइकिया लेके नहीं सजाएगा, होटल वाला रूम नहीं बनाएगा है। तो खैर लोगों ने तो मजे ले लिए। कहाँ लिखा है, पटना में तो बहुत बॉन्डिंग दिखा रही थी ननद से, और जीजा से कंपनी मिली थी, अब क्या हुआ भाई। तमाम लोग लाइक पे लाइक ठोके जा रहे हैं कि बताओ बताओ अब क्या हुआ, बताओ बताओ अब क्या हुआ है। तो भैया पटना में बॉन्डिंग दिखाना था, वहाँ रहना था, इसलिए मजबूरी में थी भाई। लेकिन बहुत ज़्यादा तारीफें करी थी, इतना मक्खनबाजी बग्गी ने करी थी, और बग्गे ने भी करी थी, लेकिन बग्गी ने तो एकदम मक्खन की डिब्बी में डुबोए डुबोए की, मतलब हर चीज़ की इतनी तारीफ की का ही बताएं। ड्रामा गर्ल है ये भी, किसी ने लिखा। तो लोगों को अब वो सारी चीज़ें ड्रामा लग रही, और लोगों ने साफ साफ लिखा है, क्या होता है तुम उदास क्यों लग रही हो, कुछ हो गया है क्या घर में, तुम सिर्फ अपना और बग्गे का खाना अलग बना रही हो। अरे बाकी के लोग ऊपर खा रहे हैं, मम्मी जी भी तो भाई ऊपर का काट रही थी गोभी ओभी, तो अब कुछ तो गड़बड़ लग रही है ना। जनता ने पहले भी इस बारे में कुछ आइडिया दिया था कि मम्मी जी ऊपर गोभी बनवा रही थी, तो छुटकन्नी बड़कन्नी वो बोल रही थी तुम बनाओ, मम्मी जी बोल रही थी तुम बनाओ, है ना। तो यहाँ पर सिर्फ बग्गे का खाना बन रहा है, इसके रिगार्डिंग आपस में बातचीत चल रही है। और साथ में वैसे कोई गया तो था नहीं, लेकिन वो देखने जाने वाले थे, इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मम्मी जब नोना जी जाते हैं तो मम्मी के कंधों पे कार्यभार आ जाता है, एकदम मुलायम मुलायम रोटी बनाने का। चुप्पे चुप्पे से बोल के बता नहीं रही थी झूठ की दीवानी कि अभी सब लोग सो रहे हैं इसलिए मैं धीमे धीमे बोल रही हूँ। लेकिन बात यही है कि भाई मम्मी ने बड़े मुलायम मुलायम जवार की रोटी बनाई है। मम्मी की तारीफें बकरवाए करवाए दोनों काम करवाती हैं मम्मी से, जबकि भाई हमार जिज्जी का भगवान की दया से अच्छी खासी हेल्थ हो चुकी है। अरे छोटंकी की बढ़िया एकदम रॉक चीक। ननंद आपके ब्लॉग में क्यों नहीं आ रही, पहले छोटी नहीं आती अब बड़ी भी नहीं आ रही। तो भैया वैसे छुटकन्नी ने बोला था ना, सुविधा अनुसार इनके स्टेटमेंट बदलते रहते हैं। उसने ये तो बोला था कि सबके सेपरेट सेपरेट चैनल है, इसलिए कोई किसी के में नहीं आएगा, सब अपने ही दिखाएगा। आ सकते हैं, लेकिन जिस टाइम पे एक कैमरा उठाओ उस टाइम पे दूसरा ना उठाओ, दूसरे पल में उठा ले तो सबका अलग अलग कंटेंट रहेगा। लेकिन यहाँ पर ईगो हर्ट हो जाते हैं कि मेरी वजह से इसके व्यूज इतने बढ़े, तेरी वजह से तेरे उसके व्यूज इतने बढ़े, तो इन सारी चीज़ों की वजह से ये सारा होता है, और कोई ऐसी बात नहीं है, समझ रहे हैं आप। दुपट्टा तो पटना से आते ही घर की साफ सफाई कर रही थी दीदी, आ गई तो बड़ी ननद नीचे तक नहीं आ रही है। अभी तो देखकर नहीं लग रहा कि तुम्हारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, कोई टाइम स्पेंड नहीं कर रही है, हैं वहीं पे टंगी रहती है, यही है इनकी रियल बॉन्डिंग। लो जी उस बॉन्डिंग पे अब लोग उठा रहे हैं सवाल, क्योंकि उस टाइम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो गई थी। तो भैया आधे लोगों को लग रहा है कि कुछ हो चुका है आपस में, बग्गा बग्गी नीचे का है खाना बना रहे हैं। अब जहाँ इतने लोगों का ऊपर बन रहा है तो का बग्गा बग्गी के लिए नहीं बन सकता है, अब कुछ दिन हम साथ साथ कर लो यार हैं। लेकिन नहीं, बग्गा बग्गी नीचे बन रहा है, बाकी लोगों का ऊपर बन रहा है, का है कहानी, कुछ लोग तो उसमें सवाल दाग रहे हैं। अब असली रियलिटी तो यही लोग जाने। हालांकि जब बग्गा आया था नीचे वो प्लांट वाला कोई, तो हमने देखा था कि छोटी दीदी और बग्गा आपस में बातचीत मतलब प्लांट के रिगार्डिंग ही कर रहे थे, पर बतिया हो रही थी। और उधर बग्गी ने भी बोला है कि यार प्लीज़ आप लोगों से विनम्र निवेदन है, मेरे मायके को जब मैं जाती हूँ तो मायके मिलने जाते हूँ, उसको तो घूमने में काउंट ना ही किया करो, बाकी आपको जो लगता है लगे। इसके साथ बग्गी ने थोड़ा अपने तेवर बदले हैं। बग्गी ने साफ साफ बोला है कि पता नहीं लोगों को मेरे अंदर क्या कमियां नज़र आ रही हैं, मैं ऐसा तो कुछ नहीं कर रही, पर जो लोग आप बता रहे हो तो मैं उससे कुछ सोचूंगी, चेंजेस लाने की कोशिश करूंगी। और जो है मान लो कि अगर मुझे कुछ समझ में आया, जो मुझे नेगेटिव कमेंट्स भी लगते हैं उनमें से भी मैं कुछ ना कुछ सीख लूंगी। देखो ये होता है तरीका, भले तुम अपने अंदर कोई बदलाव ना लाओ, है ना, बदलाव इन द सेंस अब हर किसी के मन की तो नहीं एक ब्लॉगर कर सकता,
पर जो चीज़ें रियल वाली होती हैं, मतलब किसी को देख के काहे उनके जैसे रंग बदलना या फिर बड़ा बड़ा एक्टिंग काहे करना दूसरों को दिखावे के लिए। बाकी यार अभी ऑडियंस तो बहुत सारी है, तो ऑडियंस के हिसाब से हर चीज़ तो नहीं की जा सकती, लेकिन उसको उस तरीके से बोलना गलत होता है। अगर आपको कोई ऑडियंस कुछ बोल रही है, ठीक है, तो आप उस पर रिएक्ट ही मत करो। कर सकते हो तो अंतर मन से वो चेंजेस ला दो, अगर ऑन कैमरा लाना चाहो तो। रियल लाइफ में ज़रूरी थोड़ा कि हर चीज़ तुम दिखाओ, ये होता है स्मार्ट तरीका आपका काम करने का, जो डेली ब्लॉगर होते हैं। लेकिन पटर 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 जिस ऑडियंस की वजह से आपको अच्छा बेनिफिट मिल रहा है, व्यूज़ मिल रहे हैं, उसी ऑडियंस को अगर आप गरियाएंगे अपनी दीदियों की तरह, जैसे कि छोटी दीदी ने तो सीधे सीधे बोल दिया कि ठीक है मैं तुमको तुम्हारे घर में जाके इन्वाइट थोड़ी करती हूँ, मुझे देखने क्यों आते हो। छोटी दीदी ने सहमति जताई ना उस कमेंट से, तो वैसे वाला अगर बिहेवियर रखोगे ना तो नीचे धड़ाम से गिरने में तनिको टाइम नहीं लगेगा। यही सच्चाई है। अगर आपको ऑडियंस देख रही है तो आपके हिसाब से नहीं बोलेगी, ये चीज़ हमेशा समझनी चाहिए। सोच समझ के कदम बढ़ाओ, या फिर इनके जैसे बनोगी कि 6-6 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं लेकिन 8-9-10 हज़ार होने में लाने लग जा रहे हैं व्यूज़, वैसा बनना है तो वह तुम्हारी चॉइस है। तमाम बड़े बड़े, अगर तुमको किसी का देखा देखी करना ही है तो बड़े बड़े क्रिएटर का देखो, जिसमें वाकई में उन लोग कुछ अच्छा कर रहे हैं, वाकई में कुछ बदलाव आ रहे हैं, तो उनके जैसा करो। अगर देखना ही है, करना ही है ना, वहाँ से कुछ सीख मिलेगी। इनके सबके नक चढ़े वालों लोगों को काहे पकड़ पकड़ के उनका कॉपी कर रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं, उससे कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। इवन तुम अपना सब कुछ गंवा ही दोगी जो जो तुमने अभी तक बनाया है। यही ऑडियंस वो है जो आपको इतना प्यार दुलार दे रही थी स्टार्टिंग में, तो सोचो आपने स्टार्टिंग से लेके अभी तक क्या कर दिया, वो भी ऑन कैमरा। इतना बोल बच्चन बोलने का जरूरत क्या होता है। वो सब तो यही चाहती हैं दोनों कि तुम बोल बच्चन बोलो, और जैसे उनको गरियाती है ऑडियंस वैसे तुम्हें भी गालियां पड़े, तो उनकी तो इसमें खुशी है। पर तुम्हारा दिमाग कहाँ गया, घुटनों में है, उसको यूज़ करो ना। कि ऑन कैमरा जितनी देर तुम कैमरा ऑन करती हो उसमें उनके जैसे बन के दिखाना है। और ऑफ कैमरा तो तुम्हें पता ही है कि तुम क्या क्या झेलती हो, क्या क्या किसके किस तरह के विचार हैं, व्यवहार हैं। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सोना चांदी खरीदारी पे, जिस पे पूरा टाइटल बना है, पर असल में क्या हुआ है वो सुनिए। वो अपने कुछ इयरिंग वगैरह दिखा रही थी, 3 पायल के सेट भी दिखाए हैं कि उसको 3 मिले हैं, बता रही थी तीनों बड़े सुंदर हैं, कुछ खास नहीं, नॉर्मल डिज़ाइन थी, हर दूसरे तीसरे के पास है ये डिज़ाइन। पर ठीक है, उसको अच्छे लगे तो ठीक है, जो अपनी चीज़ है उसको अच्छी लगनी ही लगनी है। उसके अलावा जो इयररिंग्स थे, उसने बताया कि एक उसके घर के सेट का है और एक यहाँ ससुराल के सेट का है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा पिचक पुचक गए, टूट टाट गए, उनको सही कराने के लिए ले गया था। लेकिन चूंकि जोड़ने वाले संडे के दिन आते नहीं हैं, जो ज्वेलर्स होते हैं और जोड़ने वाले उसको अलग से बिठाते हैं कुछ लोग, और कुछ का खुद का ही होता है, तो आए नहीं थे। तो शायद आज मंडे के लिए बोला है कि मंडे को आ जाना तो जोड़ जाड़ देंगे। तो उसी बीच अंतर्गत भाई वहाँ पे कुछ ज्वेलरी देख रही थी और उसको कुछ मंगलसूत्र वगैरह देख के पसंद आ गया कि एक मंगलसूत्र का हम ले लें, बड़ा सुंदर लग रहा है। उसको लग रहा था कि मम्मी जी ने जो करवा चौथ पे इयरिंग दिए हैं तो उससे मैचिंग मैचिंग का है, तो उसका एक सेट बन जाएगा। अब उसका कहना है कि बग्गे ने पहले जब वहाँ पर बैठी थी, पहले जब इसने पहला स्टेटमेंट दिया, उसका कहना ये था कि देख तुझे लेना है तो ले ले, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक बार मम्मी जी से पूछ लो। बग्गा, करवा चौथ का गिफ्ट का तुम मम्मी जी से पूछ के दोगे? का आपकी बहन ने कभी अपनी मम्मी जी से कुछ पूछा था? अंकुश अग्निहोत्री की माँ से कुछ पूछा था? काश कि तुमने अपनी बहन को भी ये सीख दी होती, तो आज बहन जी ऊपर टंडेला बना के ना रह के अपने मायके में ना होके अपने घरवा में होती, ससुराल में होती। यहाँ पर टालने वाला ये था। एक चीज़ बताइए यार, हस्बैंड वाइफ जब तुम खुद का कमा रहे हो तो क्या तुम अपनी पसंद से अपनी मतलब माँ से पूछना गिफ्ट लेने के लिए? गिफ्ट तो दिया जा सकता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि माँ से कोई सलाह मशवरा करना गलत होता है या फिर करो ना, करो बिल्कुल करो, पर यार एटलीस्ट एक गिफ्ट तो ले सकते हो अपनी पसंद से अपनी बीवी को देने के लिए, मंगलसूत्र जैसी चीज़ के लिए। क्या माँ ऑब्जेक्शन करेंगी? कमाई तुम्हारी, पैसा तुम्हारा। पर सोच लो, यहाँ पर इनको ये कहना है कि अगर तुम कुछ लेते हो तो पहले एक बार मम्मा से पूछ लो। क्यों भाई? ये सारी चीज़ें अगर आपकी बहन को बोली जाती, कि अंकुश अगर परेतिन से बोलता कि तुम जो है एक बार मम्मी से पूछ लेते हैं गाड़ी लेने से पहले, क्योंकि गाड़ी कैसे जिद में आई थी आप सबको पता है।
तो तब तो फिर ये होता कि भाई पैसा हमारा, हम मम्मी से क्यों पूछें। अब यही चीज अगर बग्गी बोल दे कि हम मम्मी से क्यों पूछें, कमाई तो हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर यही बात होती कि भाई घर परिवार लेकर अगर चलना होता है तो सबको लेकर चलना होता है। हमारी जिजियों को लेकर चलना था पर उन्होंने तो नहीं लिया, पर अपने घर की बहुरिया से हमेशा ये उम्मीद करते हैं कि वो घर परिवार को लेकर चले हैं। मम्मी जी के पूछे बिना एक गिफ्ट तक नहीं हो सकता मंगलसूत्र। वो लाखों लाखों कमाई के महीने का दे रही है लेकिन अपनी पसंद का एक मंगलसूत्र वो नहीं ले सकती। तो ये तो था बहाना, लेकिन जब वो घर पहुंच गए सब्जी भाजी एप्पल उप्पल लेके, तो वहां पर उसकी आंख वाँख में कुछ पड़ गया था, तो उसके बारे में बात बात करके फिर अपना वो जब बात कर रही होती कि वहां पे हमने मंगलसूत्र तो देखा था पर इन्होंने मुझे कोई दबाव नहीं डाला, इन्होंने ये कहा कि तुझे लेना है तो ले ले, मुझे कोई समस्या नहीं, पर मैं अपने मन से अभी नहीं लूंगी, जब मेरा मन करेगा तब मैं ले लूंगी, और मेरा मानना यह है कि अगर मैं अपने आप से लूं तो ज्यादा अच्छा है। बहन अपने आप से तू कहाँ से ले लेगी? अब वैसे तो तुम्हारा इसमें 50-50 का होना चाहिए, वैसे तो 75 का होना चाहिए, बाकी का 25% उसको मिलना चाहिए बग्गा का, क्योंकि तुम्हारा सारा योगदान है डेली ब्लॉगिंग में। लेकिन तुम्हें मिलता क्या है? तुम्हें मिलता है जेब खर्च। तो जेब खर्च से का तुम पॉकेट मनी से तुम मंगलसूत्र खरीद पाओगी? वो तो तुम्हारे अपनी मनपसंद चीज़ें खाने पीने और शॉपिंग करने में ही चला जाएगा, जो नॉर्मल कपड़े और लत्ते मंगा लेती हो। तो ये बात है भाई, 100 की सीधी बात नक्को बकवास। अब यहाँ पर बग्गी ने अपना स्टेटमेंट बदल दिया। वहां पर जो पहले स्टेटमेंट दिया था वो मम्मा वाला था, और जो दूसरा स्टेटमेंट था वो ये था कि भाई मैं सोच रही हूँ लूंगी, जब मेरा मन करेगा ले लूंगी, और मैं सोच रही हूँ अपने से लूँ। पूरे तरीके से पूरे मैटर को ही चेंज कर दिया गया। तो ये है भैया इनकी हिपोक्रेसी की सीमा। जी हाँ, सीमा भी नहीं है, बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि यही चीज इनके घर में हो रही है। तो परिवार, जो कि हर घर में यही होता है कि भैया चलो छोटी मोटी बात आपस में डिस्कशन होते हैं, पर गिफ्ट उफ्ट को लेकर नहीं होते हैं यार। एक हस्बैंड क्या यार गिफ्ट भी नहीं ले सकता? ऑफ कोर्स सबके घरों में होता है, मेरे में भी होता है, और किसी को भी बुरा नहीं लगता है। तो ये तो सारी चीज़ें नॉर्मल होती हैं। लेकिन यहाँ पर बग्गे को ना लेने पड़े, उसने उसने मम्मी जी की एंट्री करा दी। यही चीज़ अगर परेतिन के साथ होती तो भाई आप समझ रहे हो ना, उस अत्याचार की श्रेणी में जो आज लिस्ट गिनाती रहती है समय समय पे, तो अत्याचार में ये भी गिनाती कि अपनी माँ से बिना पूछे उसने तो मुझे सुहाग की निशानी तक नहीं दी, करवा चौथ का गिफ्ट तक नहीं दिया, न जाने उसको किस तरीके से घुमाए घुमाए के, और वही फरिश्ते उस चीज को मुद्दा बनाए बनाए के अभी तक प्रसारण कर रहे होते। सच बात यही है, और आपको भी पता है कि कितनी प्रतिशत इस बात में सच्चाई है ना। लेकिन यहाँ पर जब बात आती है अपने घर की, तो वो सारी चीज़ें लॉजिक वाली हो जाती, घर परिवार को लेकर चलने वाली हो जाती हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत कुछ समझा गया होगा, है ना। और बड़कन्नी जुज्जी काहे नहीं बग्गी के वीडियो में आ रही, समझ में नहीं आ रहा। बड़कन्नी जुज्जी का काम निकल गया ना, पॉडकास्ट हो चुके हैं, जितना जो जो छीछा लेदर मचानी थी, रिश्तों के बारे में जो जो बुलवाना था उन्होंने बुलवा लिया, देख लिया, उस बॉन्ड से कुछ खास नहीं मिला उनको। कुछ खास वीडियोस चले नहीं तो का फालतू में बॉन्ड बनाना। इसलिए हमारी दीदी देखो जिससे कुछ फायदा होता कुछ बेनिफिट होता है वहीं पे इनपुट लगाती है। अब जब वो कुछ आउटपुट निकला ही नहीं तो फालतू में बग्गी के आसपास थोड़ी ना मंडराएगी, है ना, ऑन कैमरा रह के वो बॉन्ड नहीं दिखाएगी। तो यही सच्चाई है, और ये कुनबा में हर किसी इंसान के साथ है। उम्मीद करते हैं बग्गी अगर वाकई में चेंज हो रही है तो अच्छी बात है। मतलब चेंज होने का मतलब ये नहीं कि तुम अपना तौर तरीका रवैया बदल लो, थोड़ा ठंडे दिमाग से, जोश में अगर कोई तुम डिसीजन लेते हो हमेशा वो गलत होता है, देख ही देखा तो भाई जो करता है वो भुगत ही जाता है, देख ही देखा छुटकन्नी नहीं छलांग लगाई थी, क्या हुआ जी छलांग, क्या उनकी कामयाब हुई? नहीं हुई। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि देख ही देखा कुछ ही ना करो, अपना विवेक बुद्धि से। और क्या आपकी ऑडियंस आपका ये तौर तरीका, आप वीडियोस किसके लिए बनाते हो? ऑडियंस के लिए बनाते हो ना कि अपनी दीदियों के लिए बनाते हो? तो आपको ऑडियंस के हिसाब से अपना कंटेंट अपना रवैया ऑन कैमरा एटलीस्ट रखना चाहिए, है ना। बाकी आप लोग समझदार हैं, समझदार के लिए इशारा काफ़ी। चलिए जी अभी के लिए इतना ही। चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और देखते हैं क्या हमारी दीदी निकल चुकी है या फिर अभी यहीं पे है या घर का कुछ वारा न्यारा करके जाएगी। अभी के लिए इतना ही।